बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, किसी भी मुल्क का इनेसार उसके असले पर होता है। जितना जिस मुल्क के पास जदीद तरीन असला होगा, उतना ही उस मुल्क को मजबूत तरीन समझा जाता है। पाकिस्तान ने भी असला साजी में एक मुनफरद मकाम हासिल कर लिया है और छोटे से छोटे असले से लेकर एटम बम तक की रसाई हासिल कर ली है। और इस वक्त दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत के तौर पर पहचाना जाता है। पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार बना लिए हैं जो कि दुश्मन मुल्क की नींदें उड़ाने के लिए काफी थे। दोस्तों, इन तमाम हथियारों की तफसील जानने से पहले आप तमाम दोस्तों से बस इतनी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लें। इस हमारी काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के अहम और दिलचस्प मौजू की जानिब। नाज़रीन इकराम, अल ज़रा टैंक हो या फिर शहीन 3 मिसाइल, या फिर JF-17 थंडर हो या फिर मिनी एटम बम, जिसको एक ब्रीफकेस में भी ले जाया जा सकता है, पाकिस्तान के लिए इस कदर शोहरत की हामिल हैं कि जब दुश्मन मुल्क इनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में सुनता है तो उसके होश गुम हो जाते हैं। पाकिस्तान के मायानास इंजीनियर्स ने इन हथियारों को बना लिया, जिनमें ना तो कोई कमी है और ना ही कोई खराबी। यही वजह है कि दुनिया पाकिस्तान के बने हुए हथियारों को कदर की निगाह से देखती है और पाकिस्तान के तैयार करदा हथियार काबिले भरोसा है और वक्त पड़ने पर धोखा नहीं देते। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद मुल्कों की नुमाइश में अपने दिफाई हथियारों को डिस्प्ले किया और जिसने भी पाकिस्तान के बने हुए हथियारों को देखा वो आशीष कर उठा और इन हथियारों को सराहने के सिवा उसके पास कोई चारा ना रहा। फ्रांस या फिर अमेरिका पाकिस्तान के हथियारों के दीवाने हैं। ये बात तो आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के तैयार करदा JF-17 थंडर तैयारे को किस तरह दुनिया में पजेराई मिली और इन्हें खरीदने के लिए बहुत से ममालिक ने अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। लेकिन आज हम जिस हथियार का जिक्र करने लगे हैं वो एक ऐसा हथियार है जिसके बारे में सुनकर भारतीय थर थर कांपने लगते हैं और भारतीय फौज के कदम लड़खड़ाने लगते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक ऐसा टैंक तैयार कर लिया जिसका नाम हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अनो के नाम पर रखा गया। इस टैंक की तैयारी के लिए गो पाकिस्तान ने आलमी माहिरीन की भी मुशावरत ली, लेकिन इसके ज्यादातर पुर्जाजात को पाकिस्तान में तैयार किया गया और इसकी सलाहियत को दुनिया भी तस्लीम करती है। इसकी खूबियों और इसकी कारकर्दगी को देखकर भारतीयों के पसीने छूटने शुरू हो चुके हैं। इस टैंक को इतनी शोहरत मिली है कि इस्लामी मुल्क ने 100 टैंकों का ऑर्डर दे दिया है। दोस्तों, इस खबर के सामने आते ही जैसे भारतीयों पर क्यामत टूट पड़ी। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि ये इस्लामी मुल्क जिसने पाकिस्तान से 100 अल खालिद जंगी टैंकों को खरीदा है, भारत का दोस्त भी था और भारत का हमायती भी। नाज़रीन इकराम, इससे पहले कि हम वायदे की तफसीलात को बयान करें जिसके तहत 100 जंगी टैंक इस्लामी मुल्क ने हासिल किए हैं, आपको इस टैंक की सलाहियतों और खूबियों के बारे में बताते चलें। अल खालिद टैंक जो के पाकिस्तान आर्मी के जेरे इस्तेमाल है, इसको पाकिस्तान के अदारे हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स टैक्सला ने तैयार किया। ये एक भारी जंगी टैंक है। ये टैंक चीन के एक टैंक का जदीद वर्जेंट कहा जा सकता है। चीन के टैंक का नाम नोरेंटो 295 है। ये टैंक पाकिस्तान के रेगिस्तानी और दलदली इलाकों में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए डिजाइन और डेवेल्प किया गया। ये टैंक पाकिस्तान और चाइना की नॉर्थ इंडस्ट्री कारपोरेशन की मुश्तरका काविशों से तैयार किया गया। दिफाई तजियाकारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान फौज के पास 800 अल खालिद टैंक्स मौजूद हैं। इसके साथ ही ये खबर भी दी जा रही है कि पाकिस्तान ने इस टैंक का जदीद वर्जेंट अल खालिद 2 को भी तैयार कर लिया है, जो की अल खालिद टैंक से भी 2 हाथ आगे है। और अगर दुश्मन अल खालिद से खौफजदा है तो अल खालिद 2 का नाम सुनकर भारतीय आर्मी की मौत वाकया हो सकती है। ये दोनों टैंक भारत के लिए मौत का पैगाम है। इस टैंक के अंदर मुख्तलिफ किस्म की खुदकार गने नस्ब हैं, जिनसे ये तमाम गोले फायर किए जा सकते हैं, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं: 125 mm की APF-SDS क्रोम प्लेट गन्स FSDS से रवायती गोले फेंके जा सकते हैं। इसके अलावा इस गन से रूसी साख्ता ATCT-N टाइप गोले भी बरसाए जा सकते हैं। इस टैंक में जो गन नस्ब हैं, वो 1 मिनट में 6 से 8 गोले फायर कर सकती है। इसके साथ साथ ये गने खुदकार लोडिंग सिस्टम से भी लैस हैं, यानी इन्हें लोड करने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़ती, यानी इसमें गोला भरने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं और मैगजीने खुद गोले को बैरल तक पहुँचाती है। इसलिए इस
टैंक में काम करने के लिए अमले की तादाद भी कम है और सिर्फ 3 अफराद इस टैंक को मुकम्मल तौर पर ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस टैंक में एयर डिफेंस सिस्टम और मशीन गन भी नस्ब है। इन गनों की खूबी यह है कि टैंक से बाहर निकलकर फायर करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस टैंक का ढांचा भी बुलेट प्रूफ बनाया गया और कोई गोला भी इस पर असरअंदाज नहीं होता। इसकी बॉडी को डबल वॉल से बनाया गया ताकि अगर इस पर कोई बम फेंक दिया जाए तो भी इस पर कोई असर न हो और टैंक मुकम्मल तौर पर हिफाजत से काम कर सके। इसके साथ ही इसके चारों इतराफ में एयर ब्रिज को बनाया गया जो कि टैंक की मुकम्मल हिफाजत करता है और एंटी बारूद सिस्टम भी इसके अंदर नस्ब है जो कि बैरूनी किसी भी हमले को महफूज रख सकता है। इसमें इंजन जो लगाया गया वो TDC कूल डीजल इंजन है जिसको पाकिस्तान ने यूक्रेन से हासिल किया है। इसके अंदर इतना मजबूत सस्पेंशन सिस्टम को लगाया गया कि बड़े से बड़े झटके को भी बर्दाश्त कर सके और इंजन पर कोई लोड ना पड़े। ये टैंक 6 पहियों पर चलने वाला एक टैंक है जिसके आगे और पीछे रूलर लगाए गए हैं और इसके पहियों को बड़ी रबड़ के स्कर्ट से ताकत दी गई। इसके अंदर निशाना लेने के लिए लेजर फाइंडर भी नस्ब है जिसकी मदद से टैंक के अंदर से ही दूर दराज निशाना लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम को भी लगाया गया। इस टैंक की बैरूनी गन को डबल बैरल से मजबूत किया गया जो कि चारों इतराफ घूमकर दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकती है। अहम बात यह है कि पहली दफा इस टैंक में एयर कंडीशन सिस्टम को भी लगाया गया। इस वजह से भारत का कोई भी टैंक पाकिस्तान के इस टैंक का मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिका ने भी इस टैंक की फनी सलाहियतों को सराहते हुए इस टैंक को जदीद तरीन टैंक तसव्वुर कर लिया। नाज़रीन अकराम, इन्हीं खूबियों की बदौलत पाकिस्तान से बांग्लादेश ने 100 जंगी टैंकों का मुआयदा कर लिया क्योंकि बांग्लादेश के भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए भारत को इस बारे में बहुत ज्यादा तशवीश है। नाज़रीन अकराम, अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। मुझे हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ अपने गुमनाम हीरोज को सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन अकराम, मजीद ऐसी आर्मी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद घंटी के निशान पर भी क्लिक कर दें ताकि आप तमाम दोस्तों को हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी मौसूल हो सके। नाज़रीन अकराम, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।